हेलो एवरीवन, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस में। आप सबका स्वागत है लेक्चर नंबर 3, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। लास्ट क्लास में हमने कहा, आई थिंक मैंने एटम के बारे में लास्ट थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज वहीं से कंटिन्यू करना है ना। हमने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लिया, हमने यूनिट्स पढ़ ली है, हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया है, आज हमने क्या थोड़ा एटम्स के बारे में पढ़ना होगा। देखो, कुछ बोलेंगे कि सीक्वेंस में पढ़ाओ सर, थोड़ा बहुत बीच में लॉज आते हैं वो पढ़ा दीजिए सर। देखो, उसकी क्या एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगी, उसकी क्या 5 के 5 लॉ है, एनसीईआरटी में 4 ही दिए हैं, मैं 5 के 5 के आपको कवर करवा दूंगा, उसकी सेपरेट वीडियो आ जाएगी, टेंशन मत लेना उसकी। आज पढ़ो मेरे साथ क्या क्या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मार्कर आपको थोड़ा लग रहा होगा पतला, क्योंकि ये है नया मार्कर, न्यू ब्रांड न्यू, दिवाली के मौके पे नया मार्कर सर दिख रहा है, ऐसी बात नहीं। देखो, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु विल डिस्कवर्ड अबाउट द एटम। डाल्टन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके एटम के बारे में थोड़ा सोचना शुरू किया, सोचना क्या, पूरी अपनी गाथा ही रच दी। क्या डाल्टन जी ने, बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में कुछ कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा पहली बात उन्होंने ये कही, मैटर हमने पढ़ा था ना, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड स्मॉल पार्टिकल दिस पार्टिकल्स, यही पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, दिस पार्टिकल आर नोन एज एटम। इन्हीं पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, एटम नाम दिया गया। मान लीजिए कोई एक मैटर है, ये एक मैटर है, इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, एटम्स होंगे, छोटे छोटे एटम्स होंगे, ऐसा कहा डाल्टन ने कहा एटम्स आर इंडिविजिबल। सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम ही है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा कह रहे हैं हमारे जनाब डाल्टन जी। एटम ने और क्या कहा, एटम ने नहीं, डाल्टन ने, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर भी डेस्ट्रॉय। ना ही एटम को तोड़ा जा सकता है, ना ही एटम को बनाया जा सकता है, ऐसा कह रहे हैं डाल्टन। फोर्थ पॉइंट डाल्टन जी ने कहा, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर शोन सेम प्रॉपर्टीज। अगर कोई एलिमेंट है, अगर कोई सिंगल एटम है, उसके डिफरेंट एटम्स है, अगर कोई एलिमेंट है उसके डिफरेंट एटम्स है, वो क्या, सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाएंगे। आर शोन सिमिलर प्रॉपर्टी। वो कैसी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाएंगे। जैसे सिमिलर प्रॉपर्टी में, जैसे मास, साइज एक्सेट्रा, मास साइज एक्सेट्रा क्या हो गया, चल रही है बढ़िया, मास साइज एक्सेट्रा, उनका क्या होगा, सेम होगा। अगर एटम सेम एलिमेंट के है ना, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर शोन सिमिलर प्रॉपर्टीज। जैसे कि मान लीजिए कोई ये एलिमेंट है, उसके अंदर क्या है, एटम है, तो ये जो दो एटम है ना, इनकी क्या होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टी होंगी, उनकी क्या होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टी होंगी, ऐसी बात कौन कह रहे हैं, डाल्टन जी कह रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट में डाल्टन जी कहते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
आर कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड। डिफरेंट एटम अगर लिए जाए डिफरेंट एलिमेंट के और उन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। कंबाइंड इन ए कंपाउंड, कंबाइंड ऐसे लिख लो, कंबाइंड इन ए, कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड। वो क्या फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे और क्या बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। इनकी रेशियो फिक्स है, इनकी रेशियो क्या है फिक्स है, दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करेंगे एक ऑक्सीजन एटम से क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एक कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, ऐसी बात से किसने करी, डाल्टन जी ने करी। ये थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ज्यादा इसका कंपटीशन वालों का लेना देना है नहीं, क्योंकि ये बोर्ड में पूछी जाती है, स्कूल में पूछा जाता है, तो हमें पढ़ाना ही पड़ेगा, स्कूल वाले हमारे प्यारे बच्चे हैं। ठीक है जी, अगली बात करते हैं क्या, लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ भैया अगर डाल्टन होते ना बहुत मारते, सर मैंने इतना बढ़िया काम करा मेरी लिमिटेशन कर रहे हो, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहली लिमिटेशन क्या थी, पहली लिमिटेशन ये थी नॉट, वो एबल नहीं थी, नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई एटम कंबाइन, एटम कंबाइन ही हुए, एटम कंबाइन ही क्यों कर रहे हैं, इसके पास डाल्टन का कोई रीजन नहीं है, डाल्टन के पास इसका कोई रीजन नहीं था कि एटम कंबाइन क्यों कर रहे हैं, उन्होंने बोल दिया जस्ट के एटम कंबाइन करेंगे, पर क्यों व्हाई इसका कोई रीजन नहीं था, नॉट एबल टू एक्सप्लेन नॉट, चलो मान लिया कि कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे फोर्स क्या है इसके बारे में भी डाल्टन जी कुछ नहीं जवाब दे पाए। नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन बिटवीन द एटम, एटम के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बारे में डाल्टन जी कुछ जवाब नहीं दे पाए थे। ये कुछ ऐसी सी लिमिटेशन हुई थी किसकी, डाल्टन जी की, डाल्टन जी की। तीसरी लिमिटेशन थी वाई डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, थोड़ा साफ से लिख देते हैं, वाई डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, क्यों उनके मास क्या डिफरेंट होंगे, इसके पीछे का रीजन नहीं बता पाए, जस्ट बोल दिए लेकिन रीजन उनके पास नहीं था। ये थी कुछ लिमिटेशन किसकी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। ठीक है, रफ कर देगा, रफ कर दे, कर दो छाप लो भाई। सुनना जरा जानते, अगली बात आती है मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मॉडिफाइड डाल्टन थ्योरी। लोग जीने का देते हैं, ले आते हैं मॉडिफिकेशन को, लोग जीने का देते हैं। अरे सही है भाई, डिस्कवरी तो चलेंगी ना, एक तरह से सही है, डिस्कवरी तो चलेंगी। देखो पहला पॉइंट क्या कहते हैं, पहला पॉइंट का मॉडिफिकेशन में एटम आर, एटम्स आर डिविजिबल, डिविजिबल
एटम आर डिविजिबल। एटम आर डिविजिबल मतलब क्या? एटम्स फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल एटम को भी भाई फर्दर डिवाइड किया जाता है और छोटे छोटे पार्ट में। अब एटम सबसे छोटा नहीं रहा, उसको भी फर्दर डिवाइड करा जा सकता है। उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि कौन कौन से हैं, मैं तीन के आपको नाम गिनवा रहा हूं। ये मेरा एटम है, तो इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भाई इसके अंदर ये तीन टाइप के पार्टिकल है। अब एटम को छोटा तुम नहीं मान सकते, वो भूल थी या डॉल्टन की थोड़ी कमी थी, अब इसको सही कर लो। दूसरा पॉइंट कहता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट देखे गए जैसे लाइक क्लोरीन। एटॉमिक नंबर होता है भाई, एटॉमिक नंबर बोले तो 17। लाइक क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 ऐसा देखा गया। इसका एटॉमिक नंबर तो 17 है, लेकिन इसके कुछ मास देखे गए तो दिखाई दे रहे थे 35। कई बार इसका मास देखा गया तो दिखाई दिया 37। अरे गजब। डाल्टन की बात याद करो, डाल्टन जी कहते थे अगर कोई एलिमेंट है, अगर उसके एटम है तो उनका मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर कोई एलिमेंट है तो उसके अगर जो एटम है उनका मास क्या रहेगा? सेम मास। तो उनके अकॉर्डिंग तो ये बात वैलिड नहीं हो रही, इसलिए तो ये मॉडिफिकेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि सेम एलिमेंट हो, सेम एटॉमिक नंबर हो, बट डिफरेंट क्या होंगे? मास नंबर। इन्हीं को एलिमेंट को नाम दिया जाता है जो ऐसी नेचर शो करे, आइसोटोप्स। आगे मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में क्या होते हैं आइसोटोप्स, अभी एक बार जान लीजिए ये होते हैं आइसोटोप्स। तीसरी मॉडिफिकेशन क्या ऐसी आई कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी पाए गए जैसे एग्जांपल के तौर पे आर्गन एंड कौन कैल्शियम। आर्गन और कैल्शियम भाई आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद होने चाहिए। 9th 10th करके आए हो यार, कई सर कहेंगे अरे 9th 10th सर हमने पढ़ी ही नहीं, मजे में निकाल दिया बोर्ड। अब पता लग रहा है केमिस्ट्री ये थी, तो कोई नहीं एक दिन मैं वीडियो ले आऊंगा 1 से 20 एलिमेंट या 1 to 20 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर विद देयर मास नंबर आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी के लिए सुन लो, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है भाई, आर्गन का एटॉमिक नंबर बोले तो 18। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बोले तो क्या होता है? 20। जब इनके मास देखे गए नीचे ही लिख दूं क्या? अरे ही नीचे ही लिख देता हूं। जब इनका मास देखा गया तो इसका मास आया 40, इसका मास देखा गया तो इसका मास आ रहा है 40। गजब हो गया, पागल ही हो गया। मास 40 एलिमेंट डिफरेंट। डाल्टन की बात याद करो, एलिमेंट अगर डिफरेंट होए तो उनके एटम का मास भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। बट यहाँ तो गजब ही हो गया, मास सेम आने लग गए। अगर मास सेम आ जाए, इन्हीं एलिमेंट को नाम दिया जाता है आइसोबार्स। तो यही थी कुछ होता वाली मॉडिफिकेशन जो अपने काम किए। ये तो बहुत काम किए, ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी अपने आगे। ऐसे कुछ नहीं बताता मैं ऐसे कुछ बोलता ही नहीं मुंह से, मैं ऐसे कुछ जब तक काम उसका ना हो मैं बोलता ही नहीं कुछ। अब बात आएगी किसकी? इतना एटम कर नहीं रहे हो तो जरा एटम को थोड़ा डिस्कस कर लो। इतना एटम सर चिल्ला ही रहे हो तो थोड़ा क्या एटम को भी डिस्कस कर लो। क्या है एटम? ये एटम की डेफिनेशन देखो भाई, इट इज डिफाइन एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल विच में नॉट
फ्रीली एग्जिस्ट। वो एटम, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका? एलिमेंट का, जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। उसको क्या बोलते हैं बेटा? एटम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। जैसे कि कुछ एलिमेंट जो फ्रीली एग्जिस्ट कर पाए, जो कि क्या फ्रीली एग्जिस्ट कर पाए, उस एलिमेंट है जैसे जैसे आपका आयरन, आयरन होता है भाई, एटॉमिक नंबर 26 होता है। जैसे बोले तो सोडियम, बोले तो मैग्नीशियम, ये सारे क्या है? एटम है, जो कि क्या फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसे भी है जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ऐसे भी होंगे जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नॉट फ्रीली एग्जिस्ट। ऐसे वाले कौन से होंगे भाई? जैसे हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन। हाइड्रोजन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, ये कंबाइन कर जाता है H2 बना लेता है और ये क्या O2 बना लेता है। है तो ये एटम, है तो ये दोनों एटम, बट ये फ्रीली एग्जिस्ट ना करके क्या H2 बना लेगा और ये O2 बना लेगा, ये क्या है? नॉट फ्रीली एग्जिस्ट एटम। उसके बाद आते हैं टर्म मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्या है ये सर मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल देख लो, इट इज डिफाइंड एज, बोर्ड वालों के लिए डेफिनेशन जरूरी है यार, इट इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ, पता नहीं एलिमेंट क्यों लगे, कंपाउंड आना चाहिए, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड विच कैन फ्रीली एग्जिस्ट, जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट, उसको क्या बोलूंगा? मॉलिक्यूल बोलूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो H2O2 etc. ये हो गया क्या? मॉलिक्यूल। ये हो गया चो मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, नोट कर लिया जाए, छोड़ दिया जाए, वरना मोड़ दिया जाए। कर लो भाई नोट, कर लो फटाफट से, कर लिया होगा, चलिए आगे। एटम और मॉलिक्यूल हो गए। इसके बाद आती है चर्चा मास की, मास। इसके बाद चर्चा आती है मास की। सुनना सुनना सुनना, जरा ध्यान से सुनना सुनना, मास के ऊपर बड़ी सुंदर सी कहानी है, जरा ध्यान से सुनना। देखो एटम क्या है, अगर आप देखने चलोगे ना, अगर आप देखने चलोगे, अगर कोई भी एलिमेंट उठाओगे, मान लो एलिमेंट उठाओगे, उसके अंदर क्या आपको ढेर सारे ऐसे एटम मिलेंगे, मैं तो बना भी नहीं पा रहा हूं इतने एटम, मतलब ये तो बनाने के लिए भी कोई पागल ही है जो ऐसे बनाना चाहेगा, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं, पर इससे भी बहुत सारे ढेर सारे क्या मिलेंगे, उसमें एटम मिलेंगे। और क्या होगा इनका? स्मॉल साइज, बहुत ही स्मॉल साइज होता है एटम का, लगभग 10^-10 मीटर, वेरी स्मॉल साइज। और क्या होते हैं? वेरी लार्ज नंबर, बहुत ही ज्यादा नंबर में होते हैं, इसलिए इन दोनों के कारण इम्पॉसिबल टू फाइंड द मास ऑफ एटम। इसके लिए, इस रीजन से इम्पॉसिबल है कि आप एटम के मास को फाइंड कर पाओ। इसलिए जो मेथड लिया जाता है, या फिर जो मास मेजर किया जाता है, वो कौन सा मास मेजर किया जाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। कौन सा मास? रिलेटिव एटॉमिक मास। कौन सा मास मेजर करोगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी के रिलेशन में, किसी के रिलेटिव, दो जनों को कंपेरिजन में मास मेजर किया जाएगा। इसके लिए क्या एक रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी भाई? कोई रेफरेंस होना चाहिए, उसके कंपेयर में मास मेजर करा जाना चाहिए। कोई रेफरेंस होना चाहिए, उसके कंपेरिजन में मास मेजर करा जाना चाहिए। करा जाना चाहिए। जो रेफरेंस इनिशियली देखा गया वो रेफरेंस लिया गया हाइड्रोजन, सही है? वो रेफरेंस जल्दी जल्दी में, क्योंकि हाइड्रोजन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट लिटल मास होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल लिटल मास था, सबसे कम मास था, तो इसको रेफरेंस मान लिया गया। पर जैसे धीरे धीरे और
एलिमेंट का या फिर और एटम का मास देखने गए तो देखा गया, पाया गया कि कैल्शियम के ऊपर वाले ना, जो कैल्शियम से बड़े वाले हैं, उनका मास या एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाया। क्या जो कैल्शियम से अब एक हिस्ट्री है थोड़ी बहुत, काम की बात तो आगे आएगी। अब कैल्शियम मास इज नॉट मेजर एक्यूरेटली, नॉट मेजर एक्यूरेटली, लिख सकते हो लिखने को एक्यूरेटली के हाइड्रोजन का यूज करके जब रेफरेंस देखा गया तो कैल्शियम से अबव वालों का मास एक्यूरेटली मेजर नहीं हुआ। दूसरी क्या हुआ, कुछ मास फ्रैक्शनल में आने लगे, मास इन मास कैलकुलेट इन फ्रैक्शनल, मास कैलकुलेट हुए कैलकुलेटेड इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में आने लगे मास जब उनका हाइड्रोजन से कंपैरिजन हुआ। तो ये थोड़ी बात सही नहीं लगी, तो इसलिए और रेफरेंस लिए, ऑक्सीजन उठाया, उसमें भी कुछ कमियां मिली। लास्ट में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारी दुनिया उसको पढ़ती है, क्या कार्बन का 12 आइसोटोप को एज ए रेफरेंस यूज किया गया। वाह वाह, और अभी भी वही चल रहा है, बहुत ही मस्त वाला आइसोटोप था वो, जिसने भी करा बहुत ही दमदार खोज थी। तो कौन सा रेफरेंस यूज कर रहे हैं अब, रेफरेंस हमेशा यूज करेंगे क्या, कार्बन का 12 आइसोटोप। अब बच्चों एक बात और जान लो, मैं आपको बता देता हूं पहले, वैसे को बताता नहीं है देखो इतनी जल्दी है, वो आगे बताने की होती, लेकिन अभी सुन लो। देखो कार्बन के जो ऊपर ये चीज लिखी जाती है और एक चीज नीचे लिखी जाती है, जो कार्बन के ऊपर लिखी जाती है वो बोलते हैं क्या, एटॉमिक मास, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास, मास बोलते हैं, और जो ये नीचे लिखी जा रही है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या ये एटॉमिक नंबर, वैसे मास नंबर बोल लो इसको, मास नंबर जो कि ऊपर लिखा जाता है और ये एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, वैसे आगे पढ़ाया जाता है लेकिन मैंने आपको बता दिया। कार्बन का 12 आइसोटोप लिया गया रेफरेंस, इसके अकॉर्डिंग रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन, क्या निकल गई पहले इसका फॉर्मूला ले लो, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप। कहीं C12 ऐसे लिखते हैं, कहीं ओवर करके लिख देता हूं, C के ऊपर 12 ऐसे भी लिख देते हैं। ये थी फॉर्मूला, मतलब ऐसा फॉर्मूले से ही डेफिनेशन पढ़ाने में मजा आता है। देखो लिख लो भाई, डेफिनेशन लिख लो फटाफट से, बेचारे कॉम्पिटिशन वाले सोचते हैं सर हमने तो न्यूमेरिकल से मतलब है कॉन्सेप्ट, ये तो स्कूल वाले अच्छे जानते हैं कि डेफिनेशन उनके लिए क्या है, अमृत। इट इज डिफाइन एज ए, इससे बढ़िया डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको। इट इज डिफाइन एज ए नंबर विच एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइम ए एटम is heavier than 1/12 part of the mass of C12 isotope। कार्बन का कौन सा आइसोटोप, C12। दो आइसोटोप होते हैं कार्बन के, C12 और C के ऊपर 40 लिखा पाएगा, हमारा काम है अभी C12 आइसोटोप से, ठीक है आइसोटोप्स। सुनना जरा ध्यान से, एक नंबर है जो कि बताता है कि कितने टाइम क्या है कोई एक एटम, कितने टाइम कोई एटम, मास ऑफ वन एटम इज हैवियर देन, इससे कंपैरिजन हो रहा है दोनों का, कंपैरिजन हो रहा है, इज हैवियर देन 1/12 पार्ट्स लिख लो ऑफ द मास ऑफ द कार्बन आइसोटोप। कहने से मतलब क्या है, अगर ये कार्बन है अगर इसके कितने हिस्से कर दो 12 हिस्से कर दो, 1 2 3 4 5 6 अभी तो बहुत हिस्से होंगे,
ऐसे ऐसे करके अगर ये 12 हिस्से कर दो, इसका मास इसके अगर इसके 12 पार्ट कर दिए, अगर इसके 12 पार्ट कर दिए तो एक पार्ट के मास से कितना हैवियर है मेरा जो एटम का मास है। रिलेटिव एटॉमिक मास कैसा है, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसा क्या डिफाइन करता है कि जो मेरा एटम है कितना हैवियर है एक पार्ट 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन आइसोटोप। अगर ये कार्बन का आइसोटोप है, अगर मैं इसके 12 हिस्से कर दूं, अगर इसके 12 हिस्से कर दूं, इस वाले हिस्से का इस वाले हिस्से से कितना हैवियर है, इस वाले पार्ट से कितना हैवियर है मेरा एटम, उसी को कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इससे ज्यादा एक्सप्लेन कोई कर नहीं सकता, इसको गारंटी दे रहा हूं आपको। लिख लीजिए रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन, ठीक है, ये फॉर्मूला भी छाप लेना। खांसी भी आ गई हमको। उसके बाद यहीं से निकल जाती है एएमयू। एएमयू क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, जिसमें एटम का मास डिफाइन किया जाता है, जिसमें एक एटम का मास डिफाइन किया जाता है। इट इज डिफाइन एज मास ऑफ, लिख लीजिए ये डेफिनेशन है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू, इक्वल टू मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू 1/12 ऑफ, 1/12 ऑफ, 1/12 ऑफ मास ऑफ 12 कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप। AMU क्या है, इट इज डिफाइन एज मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 12 कार्बन आइसोटोप्स। बेसिकली किसी भी मास, किसी भी एटम के मास को डिफाइन करने की एक यूनिट है, क्या AMU, क्या यूनिट है AMU, AMU क्या है AMU। इसकी वैल्यू भी निकाली गई, एनसीईआरटी में दी हुई है। AMU 1 AMU होता है 1.66 इनटू में 10 की पावर -24 ग्राम, ऐसी वैल्यूज की निकाली गई, किसकी AMU की, AMU की क्या निकाली गई 1.16 10 की पावर -24 ग्राम। अब देखो AMU को क्या थोड़ा सा छोटा करके लिख दिया गया U में, AMU को थोड़ा छोटा करके लिख दिया U में। U क्या होता है यूनिफाइड, U का मतलब क्या होता है यूनिफाइड, थोड़ा सा छोटा करके लिख दिया U में, AMU को U बोलते हैं, क्या है यूनिफाइड। पहले मास को, एटॉमिक मास को डिफाइन किया जाता था AMU में, अब बोलते हैं U विच इज यूनिफाइड, यूनिफाइड AMU हो गया हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। एक बीच में कोई एटॉमिक मास की भी डेफिनेशन बोल देता है, एटॉमिक मास की भी डेफिनेशन लिख लो, क्या है एटॉमिक मास, वैसे रिलेटिव एटॉमिक मास ही होता है, कई बुक्स में लिखाया जाता है तो हम भी लिखवा देते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज मास ऑफ वन, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम इट इज डिफाइन एज how much an atom is heavier than mass of carbon 12 isotope, के कोई भी एटम का मास, how much द मास ऑफ एटम, या फिर कोई भी एटम कितना हैवियर है मास ऑफ 12 आइसोटोप से, वो बोला जाता है एटॉमिक मास। लिख लो, डेफिनेशन लिखवाई हुई है बुक में, ठीक है। इसके बाद आती है एक रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल के बताओ, जरा तुम निकाल के बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। सपोज कीजिए मैं हाइड्रोजन का निकालते हैं, पहले फॉर्मूला कहता है मास ऑफ वन एटम। अब यहां पे हाइड्रोजन है तो मुझे हाइड्रोजन का रखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अरे इसी को तो बोला जाता है, यही तो है क्या एएमयू।
यही तो है मेरा क्या AMU। देखो तुम्हें पता होना चाहिए मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का एक एटम है तो उसमें सिर्फ प्रोटॉन होता है, आगे ये बात पता लगेगी, उसमें प्रोटॉन होता है तो उसका मास होता है 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। तो अब मैं निकाल सकता हूं मेरे भाई ये वैल्यू है, मेरे पास इसकी वैल्यू है AMU की कितनी है मैंने अभी बताई 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। पुट कर दो क्या फर्क पड़ता है, ये लीजिए 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम ग्राम, ये आ जाएगी 1.008 यूनिट लगाऊंगा म्यू, यूनिट लगाऊंगा म्यू यूनिफाइड यूनिट। ये लीजिए ये आ गया रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ये आ गया रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ऑक्सीजन का 15.78 आता है, उसको राउंड ऑफ करके 16 कर दिया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है बात, क्लियर है बात, क्लियर है बात, मिटा दूं यहां से। एक आता है भाई रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास, अब आती है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास कुछ भी नहीं है। व्हेन व्हेन एटॉमिक मास इज डिफाइंड इन ग्राम्स, जब एटॉमिक मास को ग्राम में डिफाइन किया जाता है तो उसको नाम बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि मान लीजिए कोई हाइड्रोजन है, अगर उसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है 1U, अगर मैं इसको यू लिख दूं 1 ग्राम, तो ये क्या बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, कुछ नहीं है ज्यादा डिफरेंस, ग्राम एटॉमिक मास खत्म, ग्राम एटॉमिक मास। चलो जी ग्राम एटॉमिक मास, ये क्या उसका ग्राम एटॉमिक मास, ये क्या उसका ग्राम एटॉमिक मास। उसके बाद आती है मोलिकुलर मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास वही डेफिनेशन, इट इज डिफाइन एज, वैसे होता है रिलेटिव मोलिकुलर मास लेकिन मोलिकुलर मास दिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज हाउ हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी टाइम ए मोलिक्यूल, हाउ मेनी टाइम ए मोलिक्यूल इज हैवियर, इज हैवियर देन, हैवियर देन मास ऑफ C12 आइसोटोप, मास ऑफ C12 आइसोटोप्स। आपको ये डेफिनेशन मिलेगी बुक्स में, बुक्स में आपको यही डेफिनेशन मिलेगी, आपको डेफिनेशन यही मिलेगी, आपको डेफिनेशन यही मिलेगी, कितना टाइम हैवियर है कोई मोलिकुलर का मास जो मास ऑफ कार्बन C आइसोटोप से। वैसे इसकी डेफिनेशन वही होनी चाहिए रिलेटिव मोलिकुलर मास जैसी, रिलेटिव मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास जैसी, क्या है वो, क्या है वो, इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन, सर डिफाइन ही डिफाइन हो रहा है सब कुछ, अरे आएगा कंपटीशन वालों चिंता मत करो, बेसिक पर सबके लिए जरूरी है। इट इज डिफाइन एज मास, इट इज डिफाइन एज ए नंबर विच एक्सप्लेन, जो कि एक्सप्लेन करता है द मास ऑफ, मास ऑफ मोलिक्यूल, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मैनी या हाउ मैनी, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम मास ऑफ मोलिक्यूल इज हैवियर देन 1/12 ऑफ, 1/12 ऑफ पार्ट, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप्स। ये बहुत कौन डिस्कस करता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअल डेफिनेशन यही सही है, ये तो बुक्स किताबें लिखते हैं इसलिए पढ़ानी पड़ती है, यहीं से आया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अरे कुछ नहीं है ये, बहुत ही फर्जी टर्म है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक एल कर देना भाई, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइटिंग खराब हो रही है थोड़ा, नया मार्कर आया ना, ग्राम मोलिकुलर मास। व्हेन व्हेन
व्हेन मॉलिक्यूलर मास, जब मॉलिक्यूलर मास को, व्हेन मॉलिक्यूलर मास डिफाइन इन ग्राम, जब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में डिफाइन किया जाता है तो उसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर एक O2 का मॉलिक्यूल लिख दिया, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास पूछते थे, मॉलिक्यूलर मास E, मॉलिक्यूलर मास इसका होता था 32 μ, लेकिन जब इसका क्या देखा गया, इसको कन्वर्ट कर लो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है यार, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम लिख दो बस आगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या करना है, 32 γ लिख दो। देखो एक्सपेरिमेंटली जो टेक्निक होती है ना, नोट कर लेना, कहीं भी इंटरव्यू या वैसे पूछ लेता है, एक्सपेरिमेंटली जो मास मेजर किया जाता है, मास मेजर किया जाता है उसके लिए टेक्निक होती है, मास मेजर के लिए मास स्पेक्ट्रोमीट्री, मास स्पेक्ट्रोमीट्री। मेरे MSc जो मैंने करी थी ना NIT हमीरपुर से, काफी बड़ा रोल था इसका मास स्पेक्ट्रोमीट्री में, बड़ी इंपॉर्टेंट सी थी ये। हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक आता है ऐसे ही, ऐसे ही एक आ जाता है क्या, रफ कर दो फिर बताऊं, ये रफ कर दो फिर बताऊं मैं। ऐसे ही आता है फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास, बेसिकली फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास इज डिफाइन, इज डिफाइन किसके लिए डिफाइन होता है, ये इज डिफाइन फॉर आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के लिए डिफाइन होता है, जो मास वो डिफाइन होता है फॉर्मूला मास, उसे कहते हैं फॉर्मूला मास। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो NaCl, अभी आपको आयनिक कंपाउंड इतने पता नहीं होंगे, जिसमें आयन्स होते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड। अगर इसका मास देखोगे तो क्या टर्म होती है, टर्म क्या होती है, फॉर्मूला मास, सेम है मास ही निकाला, बस उसका नाम दे दिया फॉर्मूला मास, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड के लिए था। वट एवर इसका मास जो जितना भी हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, मेरा तो शायद से 58.5 आता है इसको म्यू में। अगर इसको मैं लिख दूं ग्राम फॉर्मूला मास, 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 ग्राम फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, 58.5 γ, खत्म, 58.5 γ, ये था फॉर्मूला मास, ये था ग्राम फॉर्मूला मास, खत्म। सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है, इतना सा मुझे इसमें बताना था, इतना सा मुझे इसमें बताना था भाई। अगली टर्म, कितनी वीडियो लेंथ होगी, लेंथ कितनी होगी वीडियो की, चल जाएगा अभी तो। अगली टर्म आती है क्या, अगली टर्म आती है, अगली टर्म आती है जी जनाब, अगली टर्म आती है, अगली टर्म आती है जी, कौन सी आती है, आज यहीं पे करेगा खत्म, यहीं पे करेगा, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ही लग रहा है, और थोड़ी मेरी आज है तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आज यहीं पे करते हैं। अगली क्लास का जो टॉपिक रहेगा, पहले ही बता रहा हूं, वो रहेगा जनाब क्या, वो रहेगा जनाब क्या, एवरेज एटॉमिक मास, सुन लो सुन लो सुन लो, एवरेज एटॉमिक मास क्या है सर, ये देखो जनाब, आपने कहा एटम का मास हम निकाल देंगे रिलेटिव एटॉमिक मास से, जरा इस पे गौर देना, जरा तुम क्लोरीन को देखना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है जी 17, एटॉमिक नंबर होता है 17, एटॉमिक नंबर होता है 17, लेकिन जब एक मास देखे गए तो मास निकल के आया कितना, 35, इसका मास निकल के आया 37, इसका मास निकल के आया 37, वाह भाई वाह, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 मास आ रहा है, 35 मास आ रहा है 37, तो सर मेरा माथा घूमता है, 35 कंसीडर करूं या 37, तो जवाब मिलता है क्या, एवरेज ले लो, ठीक है, बच्चा था नॉलेज थी नहीं उसको, आया ये खचक खचक और खचक, ये करके चला गया, ये करके चला गया, चला तो गया, और इसका मास आई थिंक एवरेज ले तो 35 37, कितना बोलो कुछ ऐसा सा करके गया, 2 यहाँ पे 36, मैंने कहा ये था गलत,
सर यही तो होता है एवरेज, हमारी टीचर ने तो यही सिखाया था कि एवरेज ऐसे लेते हैं, पर ये नहीं, एक्चुअली में इसका एवरेज जो आता है वो आता है 35 एक्चुअल मास, इतना आता है। तो इसको जानने के लिए ये कैसे आया, इसको जानने के लिए ये कैसे आया, आ जाइए हमारे साथ नेक्स्ट क्लास में, आ जाइए हमारे साथ नेक्स्ट क्लास में, इसको जानना है तो नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ जुड़ जाइए। हम स्टार्ट करेंगे कि 35.5 कैसे आया, कैसे ये गलत प्रूव हुआ 36 और आया 35.5। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।